बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? दुआएं आप सब खैरियत से। आज मैं आपके लिए आयशा खान का ये जो दुपट्टा है, इसके ऊपर ये जो फूल और पत्ते बने हुए हैं, इसकी है ना गोटा वर्क, इसकी मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, जो कि उम्मीद है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ये इतनी सी बस हम लोगों ने इतना सा ये गोटा लेना है और इसकी मदद से हमारे इतने ज़्यादा फूल बन जाएंगे। अगर आप ये फूल इस तरह से लें कि बने बनाए, तो ये जो गोल वाले फूल हैं, छोटे वाले जिनसे मैं अभी बनाने लगी हूँ, तो ये आपको 50 रुपये में सिर्फ 12 मिलेंगे और ये 100 रुपये में आपको ये पूरी लच्छी मिल जाती है इसकी, जो कि 40 गज इसमें होता है। तो इससे जो ना आप देखें कि आप कितने बना सकते हैं, सिर्फ 5 इंच इसमें से हमें चाहिए और इसमें से हमने जो है ना इस तरह से एक छोटा सा फूल बना लेना है। 5 इंच से जो है ना हमारा ये देखें इतना प्यारा सा फूल बनेगा। और अगर आप ये ख़रीदेंगे इसी तरह से बने बनाए, तो आपको 50 रुपये में सिर्फ 12 फूल मिलेंगे इसके। इस तरह से ये काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। इस तरह से हमने इसके 5 इंच का पीस लेना है, इसको इस तरह से डबल कर लेना है, इसको इसके ऊपर दबाव डाल देना है हमने इस तरह। देखें इसको हमने ये देखें इस तरह तिकोना करके हमने इसको इस तरह से मोड़ लेना है। देखें इसके इसी तरह से पूरे में जो है ना हमने इसको इस एल शेप में रखना है। ये देखें इस तरह से एल शेप में बनेगा। या आपने जो नीचे की साइड है इसके गिर्द जो है ना आपने इस वाले को इस तरह से लपेटते जाना है, एक को दूसरे से इस तरह से आप लपेटते जाएं इसको, और आप जो है ना इसके जो है ना पूरी पत्ती बना लें इसकी, इसके फूल बना लें इसका, इस तरह से राउंड राउंड इसके घुमाते जाएं। मैं आपको इसे दो तरीके से सिखाऊंगी, एक तो UHU की मदद से आप कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से होगा, और वो भी लेकिन है ना बेहतर यही है कि आप सुई से करें। मैं आपको दोनों तरीके सिखा रही हूँ इसके। मैं आपके साथ एंड स्क्रीन दो और वीडियो शेयर करने वाली, जो कि मेरी ही है गोटा वर्क से मुतालिक, तारा फैशन आइडियाज़ पर। आप देखेंगे तो आपको काफ़ी इस तरह की वीडियोज़ मिलेंगी। तो अगर आप है ना जैसे वेलवेट का सीज़न आ रहा है, तो वेलवेट को तो प्लेन होता है, उसको डिज़ाइन करने का काफ़ी मसला होता है। तो अगर आप इस तरह से गोटा लेके आएँ, उसके ऊपर हैंड वर्क करें, तो उसके ऊपर मशीन काफ़ी मुश्किल से चलती है, तो ये आजकल ट्रेंड में ही बहुत चला हुआ है और ये अच्छा भी लगता है ये गोटा वर्क, और आसानी से भी होता है बहुत। Thank you.
आप देखें इसकी जो इस साइड को जो आपने लंबा इससे जो है ना गोटा हमने ऊपर की साइड को निकाला है आपने, ये देखें इधर आपने इसकी बिल्कुल सिलाई नहीं करनी है। देखें जो इसके किनारे सी है ना यहाँ आपने सिलाई नहीं करनी इसके, इसलिए कि इसमें जो है ना फालतू जो ये बच्चे का हमने इसके अंदर इसको फोल्ड कर देना है ताकि इसमें सफाई रहे, और इसके ऊपर फिर टांका करना है। लेकिन इस पर हमने टांका जब करना है जब ये हमारा पत्ता बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, उससे पहले हमने इसके ऊपर टांका नहीं करना, वरना फिर ये दूसरा वाला जो आप बना इसका रह गया तो वो फिर इसके अंदर जो है ना आपको मोड़ने में काफ़ी मुश्किल होगी इसकी। इस तरह से देखें इसको डबल फोल्ड करें, इसके बीच में इसको इस तरह से बिछा दें और बस इसके ऊपर आप टांके कर लें। जैसे कि आप देख रहे हैं तारा फैशन आइडियाज़, आपको मेरे चैनल पर काफ़ी इस तरह की वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी इसमें सिलाई में और कढ़ाई में। तो अगर आप गोटे की एक लच्छी लेके आएँ 100 रुपये की मिलती तो उससे आपके इतने ढेरों ढेर फूल बन जाएंगे, आपके पूरे कमीज़ के ऊपर लग जाएंगे। अगर आप इसको बने बनाए लेंगे तो 50 रुपये में आपको सिर्फ और सिर्फ 12 फूल मिलेंगे, जिससे कोई एक आइसक्रीम भी नहीं बनती। तो इस तरह से आप ये लें और थोड़ी सी मेहनत करें, आप ये बहुत सारी पत्तियां और ये फूल बना के रख लें। जब आप वेलवेट का सीज़न आए तो अपने कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन करें, नहीं कितने खूबसूरती से हमारे लीफ तैयार हुआ है ये देखें। और ये एक मैंने यूट्यूब की मदद से बनाया और एक मैंने स्विच की मदद से। आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, आपको काफ़ी ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी, आप तारा फैशन आइडियाज़ के नाम से सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।